जहां आपका ठहरना भी मुश्किल नहीं है, यहां तक कि ऑक्सीजन भी कम पड़ जाती है। ऐसे ऐसे दुर्गम इलाकों में तुरंत पानी लाए, अभी तुरंत बर्फ बन गया। किस परिस्थिति में कैसे वे वहां रहते हैं, कैसे उस अपने दैनिक कार्यों को अंजाम देते हैं और फिर देश की सेवा करते हैं, किस प्रकार से, किस कठिन परिस्थिति में। और हम सब जो चैन की नींद सोते हैं उसका एक बात कारण यही है कि सीमा पर जो हमारे जवान लगे हुए हैं और हमारी रक्षा कर रहे हैं, उन्हीं का धन्यवाद आपको करना चाहिए कि उन्हीं के इस कार्य के कारण, उन्हीं की दिन रात की सेवा के कारण हम सब अपने अपने घरों में सुरक्षित हैं। धन्यवाद। आज ही के दिन 29 सितंबर 2016 में, आज दूसरी वर्षी 2 साल हो चुके इस पराक्रम दिवस के, उसके बाद भारतीय सेना की तरफ उस तरह से पाकिस्तान ने अटैक नहीं किया जिस तरह से पूरी सेक्टर में किया था। पूरी सेक्टर में हमारे 19 जवान हताहत करके आतंकवादी अपने वहीं मारे गए थे, वो जिसका बदला हमारी भारतीय फौज ने पाकिस्तान के 7 टेररिस्ट कैंपों को नेस्तनाबूद समाप्त कर दिया, वहीं घुस के उन्हीं की जगह और उन्हीं के क्षेत्र में उन्हीं के सैनिकों का, जिसमें लगभग हमारे पैरा स्पेशल फोर्स के 150 सैनिकों ने प्रतिभाग किया और सभी सुरक्षित वापस लौट गए। भारतीय सेना का ये अदम्य साहस आज हम पराक्रम पर्व के रूप में मना रहे हैं।